आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन सेलिब्रिटीज़ के बारे में जिन्होंने सुंदर दिखने के लिए अपनी बॉडी को ख़राब कर लिया। हमने ये तो कई बार सुना है सेलिब्रिटीज़ ने किसी रोल के लिए अपनी बॉडी में चेंजेस कर लिए उस रोल में फिट होने के लिए, जो कि नेचुरल प्रोसेस होता है, जैसे कि मोटा हो जाना, पतले हो जाना। बट कुछ सेलिब्रिटीज़ ऐसे भी हैं जो सिर्फ फेम और सुंदर दिखने के लिए अपनी बॉडी में सर्जिकल चेंजेस करवा लेते हैं। आज इस वीडियो में मैं इन सेलिब्रिटीज़ का मजाक नहीं बना रहा हूँ, बस मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि इन्होंने इस ऑप्शन को क्यों चूज़ किया। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब अपनी लिस्ट की शुरुआत करूँगा मैं माइकल जैक्सन से। माइकल जैक्सन एक टॉप परफॉर्मर थे। वो अपनी परफॉर्मेंस के साथ अपने लुक्स में चेंजेस को लेकर भी बहुत पॉपुलर थे। इन्होंने अपनी शुरुआत एक बैंड जैक्सन 5 में एक यंग सिंगर के तौर पर करी। बचपन में उनके साथ एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उनके हेयर जल गए थे और फिर वो विग पहनने लगे और अपने सर में परमानेंट टैटू भी करवाया था जिससे उनके स्कैल्प पे बाल दिखे। बट माइकल जैक्सन ने अपनी बॉडी में जो ऑब्वियस ट्रांसफॉर्मेशन करवाया था वो था अपनी स्किन टोन में चेंजेस। काफ़ी लोग बोलते हैं कि माइकल जैक्सन ने सोसाइटी में एक्सेप्ट होने के लिए अपना स्किन टोन ब्लैक से वाइट करवाया था। बट एक शो में माइकल जैक्सन ने बताया था कि ये उनको एक डिजीज़ के चक्कर में हुआ है। उस डिजीज़ से उनकी स्किन का टोन ब्लैक से वाइट हो रहा था। पर रिपोर्ट्स के मुताबिक माइकल जैक्सन ने काफ़ी स्टेरॉइड्स और ब्लीचिंग एजेंट्स यूज़ किए थे। अपने करियर के दौरान उन्होंने मल्टीपल फेस सर्जरीज करवाई, जिसमें फेस लिफ्ट सर्जरी, नोज जॉब, लिप थिन सर्जरी, चिन लिफ्ट सर्जरी, ये सब करवाया था। ये बताना तो मुश्किल है कि उन्होंने ऐसा क्यों करवाया, बट फेम और मनी ने उनके ऊपर बहुत गलत इफेक्ट डाला। अनुष्का शर्मा। साल 2014 में करण जौहर के शो कॉफ़ी विद करण में अनुष्का की अपीरेंस ने सबको चौंका दिया था, क्योंकि इस शो में पहुंची अनुष्का के लिप्स को सोशल मीडिया पर खूब मजाक बना था। हालांकि कुछ टाइम बाद उन्होंने बताया था कि उन्होंने कोई प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवाई, बस कुछ लिप इन्हेंसिंग टूल यूज़ किए थे अपनी अगली मूवी के लिए, जिसके कारण उनका बहुत मजाक बना। पर बाद में उन्होंने ये प्रोसेस अंडन कर दिया और अपने लिप्स पहले की तरह कर लिए थे। आयशा टाकिया। टारजन और वांटेड जैसी सुपरहिट मूवीज़ की हीरोइन आयशा टाकिया ने बॉलीवुड को अलविदा कहकर और सुंदर दिखने के लिए सर्जरी का रास्ता अपनाया। आयशा टाकिया ने अपने लिप्स, नोज़ और गाल की कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई। सर्जरी के बाद जब उन्होंने पहली बार पब्लिक अपीयरेंस करी तो वो बहुत बुरी तरह ट्रोल हो गई, क्योंकि वो सुंदर तो नहीं पर काइली जेनर की सस्ती कॉपी लग रही थी। कोइना मित्रा। हाल ही में बिग बॉस शो में आके टेलीविज़न पर दोबारा एंट्री लेने वाली कोइना मित्रा ने भी अपने लिप्स और नोज़ की सर्जरी करवाई थी। इस सर्जरी के बाद कोइना का पूरा करियर खराब हो गया था। अपने टाइम में वो काफ़ी फेमस एक्ट्रेसेस में शुमार थी, लेकिन इस सर्जरी के बाद उनके लिप्स खराब हो गए और उनका घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया। इस सर्जरी से उनका एक्टिंग करियर भी समाप्त हो गया। वाणी कपूर। वाणी कपूर को सर्जरी के बाद उन्हें पहली फिल्म में देखा गया तो उनकी एक्टिंग की तो खूब तारीफ हुई, लेकिन उनके चेहरे को लेकर लोगों ने खूब ट्रोल कर दिया था। कई लोगों ने कहा वाणी कपूर बिल्कुल एक आदमी की तरह लग रही हैं और वाणी कपूर के लुक्स को लेकर भी कई लोगों ने काफ़ी कुछ कहना शुरू कर दिया था। वह अपनी सर्जरी के बाद बहुत ज़्यादा ट्रोल हुई थी, पर उन्होंने इस ट्रोलिंग को ओवरकम किया और अपनी एक्टिंग से लोहा मनवाया।